ओके, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट करेंगे फर्स्ट. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलेंगे, एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR. Absolute growth rate and relative growth rate. Suppose there is a leaf and it is having size of 5 centimeter square. Its surface area is 5 centimeter square, and if it increases to 10 centimeter square, 10 centimeter square. Suppose this is leaf A. This one is leaf A. Another leaf is, if it is 50 centimeter square and increases to 55 centimeter square, तो आपको यहां बताना है कि ग्रोथ किस में ज्यादा हुआ है, ए लीफ में या बी लीफ में. ए और बी लीफ मैक्सिमम ग्रोथ किस में हुआ है. सो डोंट सी जस्ट इनिशियल साइज. यहाँ पे ऑफकोर्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज अ लार्जर लीफ, लेकिन हम ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम ग्रोथ ऑकर्ड इन लीफ ए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया है लीफ. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 55 हुआ है. करेक्ट. सो मोर ग्रोथ हैपेंड इन फर्स्ट लीफ. तो हियर वी आर गेटिंग टू डेफिनेशन, AGR एंड RGR. ये डेफिनेशन याद रखना है. AGR क्या होता है? AGR, व्हाट इज AGR? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. डिफाइन इट. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम. एक्चुअल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. What is AGR? Actual growth per unit time. So don't see the final size, okay? Actual growth bolo mego, kitna hua hai? In both the leaf, AGR same hai. AGR is same. That is 5 centimeter square. आया समझ में? दोनों लीफ में कितना ग्रोथ हुआ है? एक्चुअल ग्रोथ. यहां पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है, यहां पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है. सो AGR इज सेम इन बोथ द लीफ. AGR इज सेम इन बोथ द लीफ, राइट? ये AGR हो गया है. अभी हमें करना है RGR. व्हाट इज मीन बाय RGR? RGR का मतलब क्या होगा? रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? देखिए, RGR इज इक्वल टू AGR डिवाइड बाय इनिशियल साइज इनटू 100. इस तरीके से हम RGR फाइंड आउट करेंगे. तो डेफिनेशन क्या होगा RGR का? रिलेटिव ग्रोथ रेट इज ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल साइज. विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल साइज बोलना है. बताइए, RGR इज ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल साइज. इनिशियल साइज लीफ ए का RGR निकाल के बताइए. लीफ ए का बताइए. रखो AGR की वैल्यू, रखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर
और इनिशियल साइज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 100, तो कितने परसेंट हुआ ग्रोथ? 100% हुआ ना ग्रोथ, 100% हुआ ना, लीफ ए का 100% हो गया, लीफ ए का 100% हुआ। लीफ बी का मालूम करो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन बना लेंगे, ए लीफ हैविंग द इनिशियल साइज दिस मच एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम लाइक दिस, देन फाइंड आउट इट्स रिलेटिव ग्रोथ रेट, बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। लीफ बी का आरजीआर निकालिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एजीआर था उसका, इनिशियल साइज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इनटू 100 कितना हुआ? ओके 10% ग्रोथ हुआ है सिर्फ वहां पे, 10% ग्रोथ हुआ है। सो लाइक दिस, मतलब आप दो डेफिनेशन में परफेक्ट रहिए, एजीआर और आरजीआर। और ये याद रखिए आरजीआर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आरजीआर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेजर ग्रोथ। क्या ग्रोथ हमेशा लेंथ में मेजर किया जाता है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, हाउ टू मेजर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब और एक ग्रोथ ऑफ लीफ कैसा मालूम करेंगे? बताओ मैं, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैसा मालूम करेंगे? इन टर्म्स ऑफ लेंथ करना है ये, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ग्रोथ ऑफ लीफ, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया है। और ग्रोथ कई तरीके से होता है, फ्रेश वेट ग्रोथ भी है, ड्राई वेट भी ग्रोथ है। ग्रोथ इज इक्वल टू इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट मतलब ऑर्गेनिज्म प्लस वाटर, ऑर्गेनिज्म माइनस वाटर क्या होता है? ड्राई वेट होता है। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, कितने सेल बने हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज आल्सो ग्रोथ। इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है उसको भी हम ग्रोथ ही बोलते हैं। मतलब ग्रोथ क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। ग्रोथ इज नॉट ओनली हाइट, नॉट ओनली मास, ग्रोथ इवन पोलन ट्यूब में भी ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है तो भी ग्रोथ हो रहा है। इफ न्यू सेल्स आर फॉर्म दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, इवन इफ इनसाइड द सेल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजिंग दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, वो भी ग्रोथ ही है। Now after this we are going to learn three words, differentiation, de-differentiation, इसके ये पहले मीनिंग ले लेंगे, उसके बाद जो है बुक में भी पढ़ के देखेंगे differentiation, de-differentiation. What is mean by differentiation? When cells loses the capacity to divide, when cells loses the capacity to divide, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। When cell loses the capacity to divide, nothing but maturation of cell. It is maturation of cell, maturation of cell. During maturation of tracheary elements of xylem, they loses their cytoplasm, they loses their nucleus, and they loses the capacity to divide. This is what differentiation. समझ में आ गया? Differentiation का मतलब ये है कि जब cell lose करेगा capacity, divide नहीं कर पाएगा वो आगे जाके। मतलब अगर आप MBBS complete करते हैं तो आप doctor होते हैं, एक जनरल फिजिशियन एक डॉक्टर बन जाते हैं।
हर टाइप का मतलब ऑलमोस्ट ऑल डिसीजेस के बारे में मालूम रहता है। अब उसके बाद आप एमडी करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो आप हर टाइप के डिसीज के बारे में मालूम रहता है कि आपको नहीं। जितना आप स्पेशलाइजेशन करेंगे उतना आपका नॉलेज कम होते जाएगा। समझ नहीं आ रहे, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू हैव नॉलेज ऑफ वन पर्टिकुलर फील्ड, उतना ही मालूम रहता आपको। तो दैट इज डिफरेंशिएशन, दैट मींस यू आर अटेनिंग मैच्योरिटी। फर्स्ट डॉक्टर क्या है, एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। फिर आगे आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। एंड उसको जाके अगर हम सुपर स्पेशलिस्ट को बोलेंगे फीवर है कोल्ड है, बोलते वो बोलेगा ये क्या होता है फीवर कोल्ड, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकियरी एलिमेंट्स, डू यू नो ट्रैकियरी एलिमेंट्स, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में होते हैं ना ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ट्रैकियरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम लूजेस ट्रैकियरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम लूजेस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ट्रैकियरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम लूजेस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड कैपेसिटी टू डिवाइड। इवन वो डिवाइड भी नहीं करता, मैच्योरेशन हो गया, वो सेल स्पेशलिस्ट बन गया है। ट्रैकियरी एलिमेंट मतलब स्पेशलिस्ट, उसको एक ही काम है वाटर कंडक्ट करना, उसको फूड के बारे में नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा ये। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, व्हेन नॉन डिवाइडिंग टिश्यू रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन। When the non-dividing tissue regain the power of division, फिर एक बार dividing capacity में आ गया वापस, तो क्या बोलेंगे, de-differentiation बोलेंगे। So when non-dividing tissue regain the power of division, de-differentiation बोलेंगे। Example is formation of इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक्चुअली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ होता है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स इन द डाइकॉट स्टेम। अभी तो हम नहीं पढ़े डाइकॉट स्टेम एनाटॉमी। इन द डाइकॉट स्टेम ये वेस्कुलर बंडल्स हैं और ये इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल जो कैम्बियम बनता है, दिस कैम्बियम इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर। इंटर मींस इन बिटवीन, फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हाउ इट इज फॉर्म्ड, बाय डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे इसको। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, डी डिफरेंशिएशन। When non-dividing tissue में फिर एक बार पावर आ जाता है डिवीजन का, that is de-differentiation। आए बात समझने। Next one more is re-differentiation। हो सकता है एग्जाम में मीनिंग पूछे, हो सकता है एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे, दोनों में से पॉसिबिलिटीज हैं। re-differentiation कोई गेस करो re-differentiation का मतलब। When a de-differentiated tissue re-lost the power of division, मतलब पहले पावर लॉस हुआ तो डिफरेंशिएशन बोले, फिर पावर वापस आया डी-डिफरेंशिएशन बोले, फिर एक बार पावर वापस चला गया तो डी-डिफरेंशिएशन बोलेंगे। What is re-differentiation? When de-differentiated cell loses
loses the power of division. Loses the power of division. It is called redifferentiation. Example is secondary xylem. Secondary xylem, secondary phloem, cork. याद रखो सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम जो है इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता. ठीक है. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी, कैम्बियम जो रिंग होती है दैट कैम्बियम रिंग रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन एंड डिवाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. And these secondary xylem, secondary phloem are not dividing. आपको मुश्किल हो रही होगी समझने के लिए. देखिए ये है second dicot stem है, ये before secondary growth है. Before secondary growth है, dicot stem है. Now this ring जो दिख रही है अंदर, that is vascular cambium. And this vascular cambium ring produces another layer called secondary xylem inner side and one more layer secondary phloem outer side. Secondary phloem outer side, secondary xylem inner side, secondary phloem outer side. क्या बोलेंगे इसको? Redifferentiation. And these secondary xylem or secondary phloem कौन बनाए ये बोलो मेरे को. कौन बनाए? कैम्बियम बनाया. कैम्बियम कैसे बनाएंगे आप? ये डाइकॉट स्टेम, उसके अंदर रिंग, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, उसके ऊपर रहेंगे वेस्कुलर बंडल. एक रिंग अंदर बनाओ, एक रिंग बाहर बनाओ. द रिंग इनर साइड इज सेकेंडरी जाइलम, द रिंग आउटर साइड इज सेकेंडरी फ्लोएम, और मिडिल में जो है पहले से कैम्बियम. Cambium. This is what redifferentiation, when secondary xylem and secondary phloem are not dividing. They are not dividing. Secondary xylem, secondary phloem cell, they are not dividing. But they are formed from the vascular cambium, which is capable of division. Aaya samajhne? Differentiation ka example lenge hum tracheary element. Dedifferentiation ka example lenge interfascicular cambium. और रीडिफ्रेंशिएशन का एग्जांपल लेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉर्क. ये सारे वर्ड्स है ना और डिटेल में आएंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एनाटॉमी चैप्टर में, यहां तो नहीं आएंगे. जस्ट यहां पे नाम याद रखना है इनके. और ये याद रखना है कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम मीन्स दे आर नॉट हैविंग पावर ऑफ डिविजन. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मीन दे हैव पावर ऑफ डिविजन. ऐसे मालूम रहना बस इतना ही. ओके क्लियर है? कोई क्वेश्चन करना है? इधर बुक देखेंगे एक बार, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन. On page number 245, the cell derived from root apical meristem and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to form specific function. Kon kon se? The cell formed from the shoot apical meristem, root apical meristem and cambium. Shoot apical meristem is present at the tip of the shoot. Here the cells are dividing and they form new cells which are added inner side, right? Whether they are also capable of division? No, they lost the power of division. This leading to the maturation is known as differentiation. Differentiation is nothing but maturation. During maturation, during differentiation, cells undergo few to major structural changes both in their cell wall and cytoplasm, protoplasm.
For example, to form a tracheal element, the cell would lose their protoplasm, मतलब उनका साइटोप्लाज्म लॉस, उनका न्यूक्लियस लॉस. दे ऑल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिग्नो सेलुलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल. ट्रैकियर एलिमेंट्स बोलते कुछ ऐसे रहते हैं, ट्रैकिड्स. दीज आर द ट्रैकिड्स विच कंडक्ट वाटर. ट्रैकिड्स कुछ ऐसे होते हैं, पॉइंटेड एलोंगेटेड सेल्स, एंड देर इज नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस, एंड द सेल वॉल इज वेरी वेरी हार्ड. लिग्नो सेलुलोसिक बोल रहे हैं उसको, लिग्नो सेलुलोसिक से बना हुआ सेल वॉल है. टू कैरी वाटर टू डिस्टेंस प्लेसेस. उसके बाद आप डी डिफरेंशिएशन नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं. प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फेनोमेना. द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट बाय नाउ लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द पावर ऑफ डिविजन. दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन. Okay, D differentiation. Differentiated tissue, if it get power of division, that is called D differentiation. What is mean by open growth? Third paragraph mein padh sakte hain aap open growth. Differentiation is open in plant cells. Differentiation is open in plant cells. What is meant by this? Differentiation is open in plant cell ka matlab kya hai? Differentiation is open in plant ka matlab hai, the meristematic tissue can grow into any type of special tissue. Open type. Many students they say, sir, what is mean by open type of growth in plant? What is open type? If the initial meristem capable of dividing, and forming any type of tissue, it is called open type. इसी को हम open type बोलेंगे. Okay? If the initial meristem, अगर initial meristem से कौन सी भी tissue बन रही है, any type of tissue, it is called open type. प्लांट में ग्रोथ ओपन टाइप होता है. और यहां पे दो इक्वेशंस हैं, वो भी याद रख के चलिए. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एंड अर्थमैटिक ग्रोथ कर्व इक्वेशन. लीनियर ग्रोथ कर्व कहां पर आया था हमें? लीनियर ग्रोथ कहां पर आया था बोलिए? हाइट के लिए आया था ना, लीनियर हाइट के लिए लीनियर आया था. ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन के लिए क्या आया था? यस शेप आया था, है ना. अर्थमैटिक ग्रोथ और फॉर ए लीनियर कर्व, लीनियर कर्व के लिए इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है यहां पर एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी. व्हाट इज एल टी? लेंथ आफ्टर टाइम टी. लेंथ आफ्टर टाइम टी. और एल नॉट क्या है? इनिशियल साइज है. और आर और टी क्या है? आर क्या है? ग्रोथ रेट है. और टी तो टाइम ही है, टी इज टाइम.
वही अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन पूछेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल मतलब ये समझते हैं ना आप, अर्थमेटिक का मतलब ऐसा ही कर्व था, एक्सपोनेंशियल मतलब ऐसा टाइप का ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल फेज था ना उसमें, एस शेप। व्हाट आर द फेजेस ऑफ एस शेप ग्रोथ कर्व? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इक्वेशन बनेगा W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी। तो W1 क्या है यहां पे? फाइनल साइज है, फाइनल दैट इज फाइनल साइज आफ्टर टाइम, टाइम फाइनल साइज है, और W0 क्या है? इनिशियल साइज है, इनिशियल साइज। और क्या है भाई? E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। और R क्या है? ग्रोथ रेट है। और T क्या है? टाइम, T टाइम है। एक क्वेश्चन पूछा है बुक में, कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन ए ट्री, व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू एक्सपेक्ट इन ए ट्री विच इज शोइंग सीजनल एक्टिविटीज। अगर प्लांट में सीजनल एक्टिविटीज है तो किस टाइप का कर्व मिलेगा आपको? वेदर इट इज गोइंग टू बी लीनियर कर्व और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। सीजनल एक्टिविटीज में हम याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, सीजनल, सीजनल एक्टिविटीज में। जब भी सीजन फेवरेबल होगा, पहले सीजन फेवरेबल नहीं है तो स्लो ग्रोथ, जैसे ही सीजन फेवरेबल होगा फास्ट ग्रोथ, एंड व्हेन सीजन बिकम अनफेवरेबल, टोटली अनफेवरेबल, तो स्लो ग्रोथ, कांस्टेंट हो गया। इनिशियली मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि सीजन में जो एरियाज में सीजन होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, दोस टेम्परेट फॉरेस्ट में सीजन आपको डिस्टिंक्ट दिखते हैं, एंड इन दैट केस व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेंड? लीनियर ग्रोथ कर्व और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। क्या बोलेंगे? सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोलेंगे, बिकॉज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में क्या है, एक फेज आता है एक्सपोनेंशियल फेज। क्या बोल रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अभी प्लास्टिसिटी बोल के एक टॉपिक है, प्लास्टिसिटी। व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिसिटी? If plants parts are having different modifications, shapes, sizes, it is called plasticity. ह्यूमन क्या है? थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज कर लेता है ना आजकल, बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से कुछ ना कुछ अपने अंदर मॉडिफाई कर ले सकता है, करेक्ट। तो ये मॉडिफिकेशंस क्या होती है? प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी जो है प्लास्टिसिटी बोल के वर्ड है, वेयर प्लांट्स आर मॉडिफाइंग देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल नीड्स, to fulfill, to adjust with the environmental conditions, plants undergo which process? Plasticity. Plants undergo plasticity. Plants undergo plasticity
टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस तो यहां पर जो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, वो एग्जाम्पल याद रखना है आपको, प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी इज हिट्रोफिली, प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूज, अगर प्लांट के ऊपर दो अलग अलग टाइप के लीव्स हैं, प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूज ऑन प्लांट, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, हिटेरोफिली बोलेंगे इसको, हिटेरोफिली बोलेंगे। एंड हिटेरोफिली इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है हिटेरोफिली। एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी कैन बी सीन इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक लर्क्सपर, बटरकप, प्लास्टिसिटी कहां मिलेगा आपको प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल जो है आपको बेस्ट एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी कहां मिलेगा, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी मतलब बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन द लीफ शेप चेंजेस, एनवायरमेंटल हिट्रोफिली। अगर हम बटर कप की बात करेंगे, इन बटर कप, बोल के प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट होता है, उसके कुछ लीफ अंडर दी वाटर होते हैं और कुछ लीफ अबव दी वाटर होते हैं। ये अबव दी वाटर है, लीफ अबव दी वाटर है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है ये लीफ। इन केस ऑफ बटर कप प्लांट, जो लीफ अबव द वाटर है टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में, दे आर ब्रॉड लाइक दिस, और जो लीव्स वाटर के अंदर है, दोज लीव्स आर डिसेक्टेड एंड दे लुक लाइक फिलामेंटस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ लीफ in aquatic habitat, में कुछ ऐसा है लीफ फिलामेंटस, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लीफ एकदम ब्रॉड दिख रहा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिसेक्टेड, ये ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, डिसेक्टेड लीव्स बोलते हैं इनको, डिसेक्टेड लीव्स, डिसेक्टेड लीफ का एडवांटेज क्या है, वाटर करंट कैन बी रिड्यूस्ड, द इफेक्ट ऑफ वाटर करंट कैन बी रिड्यूस्ड। अगर आप ब्रॉड लीफ वाटर के अंदर, और डिसेक्टेड लीफ वाटर के बाहर रखेंगे तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। अगर ब्रॉड लीफ वाटर के अंदर होगा ना, बिकॉज ऑफ दैट ब्रॉड लीफ, बिकॉज ऑफ वाटर फोर्स, वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, उस वजह से वो लीफ डैमेज हो जाएगा, विद इन मिनट्स जो है वो लीफ डैमेज हो जाएगा, प्लांट से कट भी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जो चीज जहां पर है वैसे ही रहना चाहिए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लीव्स ब्रॉड रहेंगे, वाटर के अंदर के लीव्स डाइसेक्टेड रहेंगे, वाटर करंट का इफेक्ट कम रहेगा। डाइसेक्टेड लीफ क्या है, टू रिड्यूस effect of water current, जो फ्लो हो रहा था ना वाटर, उसको हम बोल रहे हैं वाटर करंट, टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ वाटर करंट, ये याद रख के चलो। बटरकप कौन सा प्लांट, बटरकप है ये। अभी दूसरे प्लांट में, इन सम अदर प्लांट्स
इन सम अदर प्लांट्स लाइक कॉटन, लर्क्सपर, कोरिएंडर, कोरिएंडर भी इन सम अदर प्लांट्स लाइक कॉटन, लर्क्सपर, कोरिएंडर, जुवेनाइल लीफ आर डिफरेंट. Juvenile leaf and adult leaf are different. Adult leaf are different. आई बात समझने? In case of some plants like cotton, larkspur, coriander. Cotton, larkspur, coriander plant में juvenile leaf अलग है और अडल्ट लीफ अलग है. जैसे कि मान लीजिए जुवेनाइल लीफ कुछ ऐसा है छोटा सा, फिर अडल्ट लीफ कुछ अलग से दिखने लगेगा आपको. जुवेनाइल का मतलब क्या है? फर्स्ट लीफ. जुवेनाइल मींस फर्स्ट लीफ एंड लेटर ऑन लाइफ में जो भी लीफ बनेंगे दैट इज अडल्ट लीफ. जुवेनाइल लीफ आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट लीफ. इन कॉटन, लर्क्सपर, कोरिएंडर. इन बटरकप प्लांट में कैसे लीफ है? ब्रॉड अंडर द वाटर, डाइसेक्टेड अबव द वाटर. ओके, ब्रॉड अबव द वाटर, डाइसेक्टेड अंडर द वाटर. ठीक है, तो मतलब बहुत ही केयरफुल ये क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट इज हेटरोफिली पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ हेटरोफिली, हेटरोफिली इज नॉट सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल. टोटल फोर एग्जाम्पल है हेटरोफिली की. हेटरोफिली के फोर एग्जाम्पल हैं. कॉटन है, कोरिएंडर है, लर्क्सपर है, बटरकप है. फोर एग्जाम्पल है. ये फोर एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल एनवायरमेंटल हेटरोफिली है? बटरकप है. आ रही बात समझ में? एनवायरमेंटल, ये जुवेनाइल अडल्ट ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट. बचपन में अलग थे, बाद में अलग हो गए, वो अलग है. जुवेनाइल और अडल्ट लीफ डिफरेंट है कॉटन, लर्क्सपर, कोरिएंडर में. सीएलसी और ये एनवायरमेंटल हेटरोफिली बटरकप में दिख रही है. हो गया? क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेटरोफिली का. क्वेश्चन एनवायरमेंटल हेटरोफिली, आई थिंक एनवायरमेंटल हेटरोफिली जो है 5 years से नहीं पूछा है. एनवायरमेंटल हेटरोफिली नहीं पूछा है ये क्वेश्चन, ये बटरकप वाला. चलिए अब हम जा रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स. प्लांट के हार्मोन्स की बात करेंगे. फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स मीन्स प्लांट हार्मोन्स. ओके, साइमल्टेनियसली हम एनिमल हार्मोन्स भी, ह्यूमन हार्मोन्स भी पढ़ रहे हैं, प्लांट के हार्मोन भी पढ़ रहे हैं ना. सो फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए मुझे दो डिवीजन मिलेंगे, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर बोल के. ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले ग्रोथ प्रमोटर, और ग्रोथ को स्टॉप करने वाले ग्रोथ इनहिबिटर. अब ग्रोथ प्रमोटर में जो है 3 हार्मोन तो पक्के हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन्स. और ग्रोथ इनहिबिटर में अगर हम देख रहे हैं तो पक्का है एबीए, एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर. व्हाट अबाउट इथिलीन? इथिलीन को अलग से लिखेंगे हम. इथिलीन बोथ ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर, दोनों का रोल कर लेता है. इथिलीन प्रमोटर का रोल भी करता है, इनहिबिटर का रोल करता है, बट मोर इनहिबिटर रोल्स. फिर भी मैं कोई एक कैटेगरी में नहीं लिखूंगा इथिलीन को. Ethylene is belonging to both the categories but more towards inhibitor.
तो यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। अब तक जो पढ़ रहे थे हम चैप्टर, जिसमें बहुत सारे बेसिक चीजें आ रहे थे, बहुत सारे बेसिक, अब यहां से जो चैप्टर शुरू हो रहा है हार्मोन्स, यहां से तो पक्का आएगा क्वेश्चन। एक हार्मोन का फंक्शन, कौन से भी एक हार्मोन का फंक्शन, अब दो क्वेश्चन बनना है प्लांट ग्रोथ, तो एक हार्मोन का फंक्शन पूछेंगे और एक कुछ भी पूछ लेंगे बेसिक्स में। प्लास्टिसिटी पूछ सकते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ पूछ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का इक्वेशन पूछेंगे, चलो अब हम जा रहे हैं ऑक्सीन और पूरे उनकी केमिकल नेचर देखेंगे। ऑक्सीन्स क्या होते हैं केमिकली, ऑक्सीन्स होते हैं केमिकली इंडोल कंपाउंड्स, ऑक्सीन्स आर केमिकली इंडोल कंपाउंड्स, और जिबरलिन्स होते हैं केमिकली, जिबरलिन्स होते हैं केमिकली टर्पिन्स, जिबरलिन्स होते हैं केमिकली टर्पिन्स, और साइटोकाइनिन क्या होते हैं केमिकली, केमिकली साइटोकाइनिन्स आर अमाइनो या सिक्स अमाइनो, अमाइनो प्यूराइन बोल सकते हैं। सिक्स अमाइनो, सिक्स फॉर फ्यूराइल, अमाइनो प्यूराइन भी बोलते हैं इसको, केमिकली बोल रहा हूं मैं, हार्मोन्स केमिकली क्या है। साइटोकाइनिन जो है ना प्यूराइन के डेरिवेटिव्स हैं, प्यूराइन से बनने वाले कंपाउंड्स, साइटोकाइनिन्स आर द प्यूराइन डेरिवेटिव्स, जिबरलिन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पिन्स, ऑक्सीन्स आर इंडोल कंपाउंड्स, समझे। और क्या है भाई, केमिकल नेचर बता रहा हूं। इथिलीन क्या है, इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन इथिलीन C2H4, वही गैसियस हार्मोन है, C2H4 बोलते हैं ना इथिलीन, वही इथिलीन है ये। और कौन सा है, एब्सिसिक एसिड ABA, ABA एब्सिसिक एसिड आर कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स हैं ये, कैरोटीनॉइड यू नो, कैरोटीनॉइड येलो और ऑरेंज कलर पिगमेंट होते हैं कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स हैं ये, कैरोटीनॉइड से बने हुए डेरिवेटिव्स हैं ABA। Okay, and out of these five hormones, these are two hormones which are derivatives of amino acid. Out of five hormones, ऐसे दो हार्मोन हैं जो अमाइनो एसिड से बनते हैं। What are those two hormones? Amino acid derivatives. Auxin and auxin. किसका डेरिवेटिव है, ऑक्सीन डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, यस ट्रिप्टोफैन से बनता है। और इथिलीन एक साइटोकाइनिन, कैसा बोल सकते हैं आप, साइटोकाइनिन तो प्यूराइन के डेरिवेटिव्स है, बोला मैं प्यूराइन, यू नो प्यूराइन, एडेनाइन इज ए प्यूराइन, ठीक है। इथिलीन डिराइव फ्रॉम मिथियोनाइन, मिथियोनाइन अमाइनो एसिड, और साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूं, साइटोकाइनिन्स डिराइव फ्रॉम एडेनाइन, एडेनाइन बोल सकते हैं एग्जाम में, प्यूराइन बोल सकते हैं, एडेनाइन यू कैन से और प्यूराइन यू कैन से, एडेनाइन डेरिवेटिव्स,
साइटोकाइनिन और एडेनाइन डेरिवेटिव्स। और रिमेनिंग जो है वो तो अब आप शायद पूछेंगे टर्पिन क्या होते हैं। टर्पिन्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। टर्पिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव स्ट्रक्चर, आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं उनमें। आइसोप्रीन यूनिट मे भी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे अभी। टर्पिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टर्पिन, इतना याद रखे तो बस है। कैरोटीनॉइड्स क्या है? येल्लो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं, फ्रॉम विच एब्सिसिक एसिड आर डिराइव्ड। चैप्टर क्या है समझ नहीं आ रहा? अब चैप्टर में हमको क्या करना है, ये जो फाइव हार्मोन्स है ये हार्मोन के फंक्शन याद हो गए समझ लो, तो 75% चैप्टर कवर। ये सिर्फ हार्मोन के फंक्शन बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, डार्विन एंड डार्विन बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन बोथ ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व करते हैं प्लांट में, ये बोथ ऑब्जर्व फोटोट्रॉपिज्म। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? प्लांट स्टेम ऑलवेज ग्रोइंग टुवर्ड सनलाइट, प्लांट स्टेम टिप, प्लांट का जो स्टेम है ऑलवेज ग्रोइंग टुवर्ड सनलाइट, हमेशा स्टेम टुवर्ड सनलाइट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इसी को हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, प्लांट का जो स्टेम रहता है हमेशा टुवर्ड सनलाइट ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए प्लांट इन ए डार्क रूम में रखेंगे प्लांट, एंड दिस प्लांट इज केप्ट इन ए डार्क रूम लाइक दिस, और यूनिलैटरल लाइट देंगे तो क्या होने वाला है, प्लांट इट बेंड्स टुवर्ड सनलाइट। तो यही है फोटोट्रॉपिज्म। डार्क रूम लेंगे और यूनिलैटरल लाइट देंगे एक साइड से, द प्लांट स्टेम बेंड टुवर्ड्स। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट which has given ideas for the scientists that plants are having some chemical secretions in them which are causing their stem to bend towards sunlight. They can identify the direction of sunlight because of some chemical secretion. Of course, Darwin koi hormone to discover nahi kiye, lekin ye ek experiment tha, ye phototropism which has given ideas about hormone, presence of hormones in plant, ठीक है। इसके अलावा यहां पे हम और क्या याद रखेंगे, एटियोलेशन क्या होता है, प्लांट्स केप्ट इन डार्क रूम, प्लांट्स केप्ट इन डार्क रूम ग्रोज अबनॉर्मली टॉल एंड बिकम्स पेल येल्लो कलर के हो जाते हैं। ये कंडीशन को हम एटियोलेशन बोलते हैं। एटियोलेशन के अलावा आप यहां पे और एक चीज याद रखेंगे, फाइटोट्रॉन क्या है, डिवाइस है इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन कंट्रोल्ड कंडीशन,
device in which plants are grown in controlled conditions, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, जो भी चाहिए सब आर्टिफिशियली दे दो. कंट्रोल्ड मतलब हर चीज आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना है. ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? फाइटोट्रोन बोलते हैं. फाइटोट्रोन. हाँ, ये फाइटोट्रोन है, डिवाइस है. हाइड्रोपोनिक्स जो कर रहे थे अब, हाइड्रोपोनिक्स इज ए सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट बोलते हैं. सॉइललेस कल्टीवेशन, वहां पे सॉइल नहीं यूज करते. ये फाइटोट्रॉन मतलब लाइट भी आर्टिफिशियल देना, टेम्परेचर भी आर्टिफिशियल देना, हर चीज आर्टिफिशियल देना है, तो इसको फाइटोट्रॉन बोल रहे हैं. हाँ, अभी बॉटनी चल रहा है ना. ओके, फाइटोट्रोन पढ़ रहे थे हम, फिर भी बीच में एक डाउट आ गया इधर. इंटरसेंसरी एसोसिएशन. इंटरसेंसरी एसोसिएशन, आई थिंक आई एम टेलिंग दिस थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम बता रहा हूं मैं. इंटरसेंसरी एसोसिएशन क्या है? सो यू आर ऑल सेंस ऑर्गन्स. आईज एक सेंस ऑर्गन है, ईयर एक सेंस ऑर्गन है, स्किन एक सेंस ऑर्गन है, टंग एक सेंस ऑर्गन है. ऑल योर सेंस ऑर्गन टूगेदर डेवलप मेमोरी इन योर ब्रेन. यू रिकॉग्नाइज टेस्ट बिकॉज ऑफ द मेमोरी. यू आर हैविंग मेमोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड. चाइल्डहुड से एक मेमोरी बिल्ट होते आ रही है, टेस्ट है ना. टेस्ट की मेमोरी मालूम हो रही है आपको, है ना. शुगर खाते ही आपको शुगर मालूम हो रही है, आइसक्रीम खा रहे तो आइसक्रीम मालूम हो रहा. तो ये सब क्या है? टेस्ट. और आई से भी आपकी मेमोरी डेवलप हो रही है. ताजमहल है ना, देखे और वो मेमोरी डेवलप हो गई, ब्रेन में रिसाइड हो गई. ईयर से भी मेमोरी डेवलप हो रही है. योर सेंस ऑर्गन ऑल्सो डेवलपिंग मेमोरी, है ना. दिस प्लेस इज वेरी कोल्ड, having very low temperature or very hot. तो ये सारे कैसा मालूम हो रहा है? स्किन से मालूम हुआ ना. तो ये सब मेमोरीज जो है ब्रेन में जाके स्टोर होते हैं एसोसिएशन एरिया में. इसलिए लिखा बुक में एसोसिएशन एरियाज आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर बट दे आर इंटरसेंसरी. इंटरसेंसरी मीन दे टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड डेवलप मेमोरी. And association area also helping communication. तीन function बताए association area के. Intersensory, memory, communication. तीन function है, ठीक. तो हम पढ़ रहे थे growth में. Etiolation देख चुके हैं हम. Etiolation एक हो गया है, phytotron एक हो गया है. अब हम सीधे सीधे क्या करना है बोलते हो? सीधा hormones में चले जाना. Auxin के function क्या है पूरी list out करना. जिबरलिन के फंक्शन क्या है, साइटोकाइनिन के फंक्शन, ऑल. अब जैसे हर एक काम के लिए एक हार्मोन चाहिए भाई. अब जैसे पाइनएप्पल फ्लावरिंग कर रहा है, पाइनएप्पल फ्लावरिंग कर रहा है समझो, तो ये पाइनएप्पल फ्लावरिंग के लिए हार्मोन्स हैं. कौन से हार्मोन है? ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन है. यस, सॉरी, ऑक्सिन प्लस इथिलीन है. ये दो हार्मोन जो है पाइनएप्पल फ्लावरिंग कर रहे हैं, ऑक्सिन और इथिलीन. स्टोमाटा ओपन हो रहा है समझो, स्टोमाटा ओपन हो रहा है तो साइटोकाइनिन की वजह से हो रहा है. स्टोमाटा अगर क्लोज हो रहा है तो एब्सिसिक एसिड की वजह से हो रहा है. मैंगो फ्लावरिंग हो रही है, मैंगो प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो किस वजह से हो रही है? इथिलीन की वजह से हो रही है. प्लांट जो है अबनॉर्मली टॉल बनते जा रहे हैं, डॉर्फ प्लांट बिकमिंग टॉल, डॉर्फ बिकमिंग टॉल. सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूं मैं. डॉर्फ बिकमिंग टॉल इन प्लांट्स, तो
इसका आंसर लेंगे जिबरलिन लेंगे। मतलब हर एक के लिए कुछ ना कुछ हार्मोन है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ हार्मोन है, वो हार्मोन का फंक्शन याद रखना। टोमेटो में पार्थिनोकार्पी हो रही है तो किस वजह से हो रही है? ऑक्सिन की वजह से हो रही है। जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सिन की वजह से हो रही है। कैम्बियम लेयर में सेल डिवाइड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हो रहा है। क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो रहा है, साइटोकाइनिन की वजह से हो रहा है। तो हर हार्मोन के लगभग 10 फंक्शंस हमको याद रखना है, ईच हार्मोन 10 फंक्शन, राइट। तो यहां तक जो हुआ है चैप्टर, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अब आगे सिर्फ फंक्शंस लिस्ट आउट करना है, ओके। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।